लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। लोगों की सुना जुबानी तो आंखों में आ गया पानी। महाराजगंज नौतनवा पूर्व सैनिक एवं लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार राणा ने विकास खंड नौतनवा की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर लोगों के दिलों का हाल जाना तथा मीडिया को अवगत कराया और कहा कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। श्री राणा नवीन मित्रों गांवों में जनसंपर्क कर गांव वालों की जुबानी सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। गांव के गरीब लोग 10 रुपए मुट्ठा साग बेचकर खून पसीना एक एक करके कुछ रुपए कमाते हैं और ऐसे में कुछ लोग आवास दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए लेके चले जाते हैं, परंतु उन्हें ना तो आवास मिलता है और ना ही 10,000 रुपए वापस मिलता है। और जिनके घर झोपड़ी का है आवास नहीं मिल रहा है और जो अपात्र है उन्हें आवास नहीं मिल रहा है। शौचालय निर्माण के लिए लोगों को एक ही बार में 6,000 रुपए मिल रहा है और लोगों का शौचालय निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है और 6,000 में भी 2,000 कमीशन। गांव में कुछ बुजुर्ग लोग 90 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, वृद्धा पेंशन वाले 2,000 रुपए लेके भी चले गए हैं और बुजुर्ग लोग वृद्धा पेंशन की आस लगाए बैठे हैं, परंतु अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मनोज कुमार राणा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही मिश्रवालिया के रतनपुर ब्लॉक में जाकर अधिकारियों से बात कर आप सभी गांव वालों का हक की दिलाने की काम करूंगा, परंतु यह समस्या रतनपुर ब्लॉक का ही नहीं है, यह समस्या समस्त उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में है। अब हम सबको जागना होगा तथा सबको जगाना होगा और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा, बिगड़ते हुए सिस्टम को बनाना होगा ताकि एक नया खूबसूरत भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हो सके। जनपद महाराजगंज से नौतनवा के पांडे की रिपोर्ट।